उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नेशनल हाईवे पर खराब खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे कैंटर के टकरा जाने से शाहजहांपुर में तैनात पुलिसकर्मी अजय कुमार व उनके 9 वर्षीय बेटे विशेष कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में पुलिसकर्मी की पत्नी व बेटी सहित 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह 4 बजे हुआ। इस हादसे का जिम्मेदार अब NHI के स्टाफ को ही माना जा रहा है। खराब ट्रक के चालक धर्मवीर सिंह ने कहा कि रात 11 बजे उसका ट्रक हाईवे पर खराब हो गया था, लेकिन हाईवे पर पेट्रोलिंग करने वाली NHI की टीम ने एक बार भी आकर खराब हुए ट्रक की सुध नहीं ली और न ही खराब ट्रक से 100 मीटर पहले लगने वाला कोई ऐसा निशान लगाया कि जिससे पीछे आ रहे वाहन चालकों को खराब ट्रक खड़े होने की जानकारी मिल जाए और हादसा बच जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत अजय कुमार मूल रूप से शामली के रहने वाले हैं। उनकी तैनाती शाहजहांपुर जिले के पोवाड़ा तहसील में CO कार्यालय में थी। अजय कुमार का ट्रांसफर मेरठ जनपद में हो गया था। अजय शनिवार की रात शाहजहांपुर से आयशर कैंटर में अपने घर का सभी सामान भरकर अपनी पत्नी बेटे व बेटी के साथ मेरठ के लिए रवाना हुए। जैसे ही उनका ट्रक सुबह 4 बजे मुरादाबाद के थाना खटगढ़ क्षेत्र के देवापुर क्षेत्र में पहुंचा, तभी हाईवे पर पहले से ही खराब खड़े 10 पहिया वाले ट्रक से उनका कैंटर टकरा गया। हादसे में चालक के बराबर में बैठे पुलिसकर्मी अजय कुमार के साथ ही उनके पुत्र विशेष कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। कैंटर के पीछे बैठी उनकी पत्नी बेटी के साथ ही भांजी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। कैंटर चालक भी कैंटर में फंस गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एक SWAT एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा। पिता पुत्र के शव कैंटर के अगले हिस्से को काट कर निकलवाए गए और पोस्टमार्टम के लिए उन्हें मोर्चरी भेज दिया गया। सर धर्मवीर जी, ये रात अचानक 11 बजे करीब खराब हो गई। अचानक 11 बजे खराब हो गई थी, उसके बाद ये स्टार्टिंग नहीं हुई है। हमने उसको साइड में लगा दिया था, तो सुबह 5 बजे करीब एक गाड़ी आई नींद में। वो ड्राइवर ने नींद में होगा शायद क्या होगा, उसने पीछे से गाड़ी ठोक दिया, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। नहीं सर, उसके बाद नहीं आई। जी जी, तो ये हादसा नहीं होता, ये बाद में हादसा होने के बाद में। मुरादाबाद जा रहा है बाईपास पर, जो देवापुर के ऊपर नहीं रोड, इस पर एक्सीडेंट हो गया है और ये सिपाही आ रहा था अजय अपना सामान लेकर के, पोस्टिंग इसकी मेरठ हुई थी, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उसमें ये सिपाही और इसका बच्चा है वो ख़त्म हो गया है और अभी इसके परिजन नहीं आए हैं और हम लोग आ गए हैं, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें इसकी पत्नी भी पीछे थी और हाँ बच्चा था बस, और तो कोई था ही नहीं इसमें। हाँ बाकी जांच चल रही है क्या लापरवाही थी क्या था, अभी इस संबंध में नहीं कुछ कहा जा सकता। ड्राइवर की गलती थी क्या था, अभी पूरी तफ्तीश होगी, जो भी तथ्य आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।